हल्दी कुमकुम फंक्शन मनाने आई हमारे घर पे तीन तीन नई दुल्हन और मैंने की न्यू ड्रेसेस की शॉपिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केम चू मजा मा। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो एकदम मजा मा। तो हमारे हल्दी कुमकुम की डेट जो है वो फिक्स हो गई है। बहुत सारा सामान लाना बाकी और स्पेशली जो लेडीज है उनको गिफ्ट लाना भी तो बाकी है। इतनी तैयारियां करनी है ना, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे। एक बार मम्मी से बात कर लेते। वो देखो आ गई मम्मी। हाँ, तो अपने हल्दी कुमकुम की डेट जो है वो फिक्स हो गई है, तो कितनी तैयारियां करनी है, कैसे होगा? चल अभी जाते मार्केट में, सब तैयारी करते हैं। और तेरे लिए भी एक सरप्राइज है। मेरे लिए क्या सरप्राइज है? तेरे लिए एक ड्रेस लेके दे रहा हूँ। सच में? हाँ। चलो ठीक है। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि हल्दी कुमकुम में हम ना गेम्स खेलने वाले हैं, बहुत सारा फन करने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, और ये सिर्फ लेडीज वाला होगा फंक्शन, है ना? ओनली लेडीज फंक्शन। यस गाइस, बहुत मजा आएगा, मैं बताती हूँ आपको। और फंक्शन में भी एक सरप्राइज है आपके लिए। हाँ, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो हम फंक्शन में बताएंगे। यस गाइस, फंक्शन में पता चलेगा आपको। चलो फिर, मैं तो रेडी हूँ। तो आप सबके लिए वो क्या सरप्राइज है वो तो आपको है ना फंक्शन में ही पता चलेगा। वेट करो यार आप लोग तब तक। पापा पापा हमारे न्यू घर का काम देखने गए हैं ना। चलो फिर, अभी रेडी हो जाओ जल्दी। मैं नहीं जा रहा। देखो गाइस, पापा है ना हमेशा यही बोलते हैं, मैं नहीं जा रहा। फंक्शन फंक्शन है लेडीज लोगों का, ठीक है? हल्दी उसके अंदर मेरा कोई काम नहीं है। yes. मेरे को ऊपर अलाउड भी नहीं है इनके फंक्शन में, तो मैं शॉपिंग करने के लिए क्यों जाऊँ? और शॉपिंग भी कौन सी करने के लिए? लेडीज शॉपिंग। मैं क्या करूँगा उसके अंदर जाके? तो गाइस आप लोग बताओ, पापा नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? तुम दोनों जाओ ना। नहीं नहीं, आप चलोगे साथ में। और पहली बात, हमने पापा को, कृष्णा को, मामा को, तीनों को बोला है कि ऊपर है ना, तुम तीनों को एंट्री नहीं है। तो जब हम लेडीज के फंक्शन में आ नहीं सकते हैं, तो फिर हम शॉपिंग को क्यों जाऊंगा मैं? तो ठीक है, आपको एंट्री कर देते हैं। चलो फिर, अभी तेरी माँ मुंह बना रही उधर से। चलो इसको ड्रेस दिलाने का है। कपड़े चेंज करके आया तो कुछ भी कपड़े पहनती बाबा, तू भेजा। पापा को नहीं अच्छा लगा ये वाला ड्रेस पहनने का। तो कौन सा पहनूं? मेरे को ना दूसरा पहन लिया, अच्छा नहीं है। जा। जब लिया तब क्यों नहीं बोला अच्छा नहीं, वापस करके आती थी ना मैं। जा। एक दो बार पहनने के बाद बोलते अच्छा नहीं है। अरे आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि म्यूजिक वीडियो कब आने वाला है, तो मैं आपको है ना बता देती हूँ, म्यूजिक वीडियो आने वाला है 5 फरवरी को वोला डीजी के चैनल पे। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो जल्दी से जाओ अपना ढेर सारा प्यार दिखाना, ठीक है? 5 फरवरी को आएगा म्यूजिक वीडियो। और हाँ, ये म्यूजिक वीडियो है ना वैलेंटाइन डे स्पेशल होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग है ना इस पे ढेर सारा अपना प्यार दिखाओ, रील्स बनाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, ठीक है? ये चल रहे एकदम बिना मन से पप्पा। लेकिन मैंने ना आपको ऐसे ही बोला था कि आपको है ना गर्ल्स लेडीज के पार्टी में एंट्री है, लेकिन बिल्कुल एंट्री नहीं है, समझ रहे पापा? भाई वैसे भी नहीं आने वाला, बोर होना ना, बोर। ठीक है ना, देखेंगे ना, रुको आप बस। चलो तो पहुंच गए हम लोग, गाड़ी भी पार्क कर दिए, थोड़ा सा चलते हैं और फिर उसके बाद में जाके इतने सारे ड्रेसेस के तो देख रहे हैं। वाओ, देखो ना ये ड्रेसेस कितने अच्छे हैं, और स्पेशली ये वाला ड्रेस अच्छा है। और उधर के साइड अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे गाउन है, ये वाला गाउन दिख रहा होगा तो ये भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। यार सच में, चलो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और ड्रेसेस देखते हैं। चलो पानीपुरी खाने के दिन को पानीपुरी खुशबू आ रही, चलो। हाँ पानीपुरी पहले खाते हैं। कोई स्किप नहीं करेगा, तुम सब मुझे पानीपुरी खाते हुए देखोगे, और बताना किसके मुँह में पानी आया। पानी पूरी खाके, चलो अभी कपड़े देखते हैं। पापा और तू पानी पूरी खाने के लिए रुके थे? हाँ मुझे तो रुके। हाँ तो अभी बाहर जाओगे तो आप भी खा लेना ना। वाओ देखो ये ड्रेस कितना अच्छा है, लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ड्रेस देखा था। मुझे है ना ऐसे हैवी और अच्छा सा कोई ड्रेस चाहिए, तो उस टाइप में देखते हैं हम, है ना? मैं तो घर से है ना नॉर्मल वाला ड्रेस बोल के आई थी, बट मैं ना बढ़िया वाला ड्रेस लूंगी। देखो फर्स्ट ड्रेस है ये पिंक कलर में, वाओ इतना मस्त है ना।
मैंने आप सबको बोला ना मुझे हैवी टाइप में कुछ चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। उसी का कलर है सेम एकदम, ये ब्लू कलर में और ये रेड एक कलर है। रेड तो बहुत हो गए नहीं मेरे पास, दूसरा वाला भी देख सकते हैं। देखो ये एक डार्क ब्लू कलर में ड्रेस है, ये वाला ज्यादा अच्छा है पिंक वाला। इसको साइड कर देना, ये ट्राई कर लेंगे। हाँ ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं ना गाइस, अच्छा लगेगा नहीं मुझ पे एक बार ट्राई करने में क्या जाता है देखेंगे। और ये पिंक वाला भी एक ट्राई करके देखेंगे। वाव ये बहुत सही लग रहा है ये ड्रेस। हाँ ये वाइट वाला ड्रेस एकदम मस्त है, एकदम प्रिंसेस के जैसे ड्रेस दिखते है, उसी के जैसे ये और एक वाइट कलर का है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये वाला कुछ अलग रहेगा ना मेरे पास ऐसे बन। वाव ये ब्लैक वाला ड्रेस कितना मस्त है, ये ऐसे व्हाइट वाला है ना तेरे पास? सेम व्हाइट है। वाओ देखो ये न्यू कलर कितना अच्छा है, इस बार बहुत सारे अच्छे अच्छे वन पीस आए। और मुझे ये पर्पल वाला ड्रेस भी देखते ही पसंद आ गया था। वाओ ये पर्पल वाला भी एक अच्छा है। मुझे ना इस बार कलरफुल पार्टी वेयर ड्रेस लेना है। यार अभी मैं कौन सा वाला ड्रेस लूं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है, ये वाला भी ट्राई कर लेंगे। गर्ल्स ऐसे मत देखो, आप भी ऐसे ही करते हो मुझे पता है। कितना अच्छा है ना यार, ये जितने भी व्हाइट वाले देखे हैं ना ये सब मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक काम करते हैं एक बार ट्राई करके देखते हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा वो वाला ले। ये मतलब टॉप के ऊपर पहनना होता है ना। बहुत अच्छा लग रहा है ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं ना ये ट्राई करके देखती हूँ और आप सब लोग बताना कैसे लगता है, ठीक है? जब मैं ट्राई करने गई तो मम्मी ने ना एक और बारबी व्हाइट वाला ड्रेस देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट अगर ये बारबी व्हाइट वाला ड्रेस लिया तो मुझे बड़ा गाउन नहीं मिलेगा। एंड ये एक और ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप वाला वन पीस, बताना ये वाला वन पीस कैसे लग रहा है। ये नियॉन कलर का नेट वेयर भी बहुत अच्छा था, बट अगर ब्लैक कलर में होता तो और भी सही होता। बट जाने दो, हम बड़े वाले गाउन पे फोकस करते हैं क्योंकि हल्दी कुमकुम के फंक्शन में पहनना है। तो देखो इसके अंदर है ना, मैं ये व्हाइट वाला ड्रेस ट्राई करती हूँ, फिर इसको ऊपर से ट्राई करते हैं और देखते हैं लुक कैसा आता है। ये ब्लैक वाला स्कर्ट बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसका टॉप फुल्ली बैकलेस था। मैं तो पहन लूं बट मम्मी नहीं पहनने देगी। तो ये देखो ये कुछ ऐसे लग रहा है, आप सब लोग बताओ कैसे लग रहा है, अच्छा है कुछ यूनिक लग रहा है। ये देखो ये जो सिर्फ व्हाइट वाला वन पीस है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है आप लोग बताओ। बट यहाँ मैं वन पीस के लिए नहीं आई हूँ, मुझे है ना बहुत बड़ा सा गाउन खरीदना है। तो बताओ आप सबको ये वाला ड्रेस कैसे लग रहा, कितना अच्छा ड्रेस है ना ये देखो, मुझे ना इसमें एकदम वो परी वाली फीलिंग आ रही है। तो नेक्स्ट है ना मैं ये व्हाइट वाला वन पीस ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये देखते के साथ ही पसंद आ गया था, एक बार ट्राई करके देखते हैं मुझ पे कैसे लगता है। लेकिन मेरे पास है ना व्हाइट वाले वन पीस बहुत हो चुके हैं और मुझे इस बार है ना कुछ कलरफुल लेना है। तो ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा है, इसको हम है ना साइड में रखते हैं, दूसरा वाला ड्रेस ट्राई करते हैं। दूसरा ड्रेस है ये वाला, ये भी एकदम मस्त हैवी वन पीस है, इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमारी बातों में ये वाली लाइट में देखते हैं। देखो पहले वाला व्हाइट ड्रेस और ये वाला गाउन मुझे अच्छा तो लग रहा था, बट मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे है ना और कोई ड्रेसेस ट्राई करने थे। तो देखो अभी मैं ना ये पर्पल वाला ड्रेस ट्राई करने वाली हूँ, इतना
यू गाइस, चलो अभी आई मैं। पर्पल वाला ड्रेस मुझे देखते ही पसंद आ गया। अब मैं ना सुपर कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा वाला ड्रेस चूज करूँ। चलो मम्मी से पूछते कैसे लगा बंटी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, एकदम परी दिख रही। थैंक यू सो मच गाइस। गर्ल्स आप लोग भी बताओ कैसे लग रहा है ये ड्रेस। अच्छा ये है ना ग्लव्स जैसे हाथ में भी पहनना है, मतलब पूरा परी बन जाना है। देखो ये ऐसा ड्रेस मोस्टली प्रिंसेस का होता है और मैंने ऐसे डार्क कलर का ड्रेस कभी नहीं लिया था, तो देखते आज मैं कौन सा ड्रेस पसंद करूंगी। देखो मुझे ना ये वाला ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम यूनिक है और एकदम मस्त वाला ड्रेस है। आप सबको क्या लगता है? एक काम करते और एक दो ड्रेस जो है ना वो ट्राई करके देखते, फिर डिसाइड करते कि कौन सा वाला ड्रेस लेना चाहिए। देखो ये अभी ब्लैक वाला जो ड्रेस है ना, ये वाला ड्रेस मैं ट्राई करने वाली हूँ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आई मैं ट्राई करके फिर आपको दिखाऊंगी। कैसे लग रहा है बताओ ये ब्लैक कलर का वन पीस? आप सब लोग बताओ ये वाला अच्छा है या फिर इससे पहले जो मैंने पर्पल वाला पहना था वो अच्छा है? तो अभी है ना एक ये पर्पल वाला ड्रेस ट्राई करना बाकी है एंड ये एक व्हाइट कलर का ड्रेस ट्राई करना बाकी है। तो ये दोनों ड्रेस है ना एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो बताओ आपको ये पर्पल वाला वन पीस कैसे लगा? देखो मुझे ये वाला वन पीस भी अच्छा लगा। अब देखते हैं कौन सा वाला फाइनल करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये वाला वन पीस ज्यादा बेटर है या फिर उससे पहले जो मैंने पर्पल वाला पहना था वो ज्यादा बेटर है? चलो अभी बताओ फाइनल कौन सा वाला वन पीस फाइनल करना है। मम्मी से पूछेंगे हम। वो वाला पर्पल जो इससे पहले पहना था मैंने वो पर्पल था। आपका क्या कहना है? पर्पल और वाइट। तो बता दिए, अब मैं तीन बताऊंगी। देखो मेरे को है ना ये पर्पल वाला भी एक अच्छा लगा, ये वाला भी एक अच्छा लगा और ये व्हाइट वाला भी एक अच्छा लगा। कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा एक ही लेने का? दो ले सकते ना, एक मम्मी दिला रही है तो एक पापा दिलाएंगे। तो सबसे पहला वाला कौन सा अच्छा लगा? पर्पल वाला। जो सबसे पहला वन पीस मुझे अच्छा लगा वो ये है पर्पल। देखो ये पर्पल मुझे एक अच्छा लग रहा है, मतलब सबसे बेस्ट लग रहा है। तो अभी को एक ही फाइनल करना है क्योंकि मम्मी ने बोला था एक ही ड्रेस दिलाएंगे। तो ये पर्पल वाला अच्छा लग रहा है। फिक्स एंड फाइनल हम पर्पल वाला ड्रेस ले रहे हैं। तो जब तक बाहर डिस्कशन चल रहा है ना कि कौन सा वाला ड्रेस लेना चाहिए, तो तब तक मैं और एक ड्रेस ट्राई करके देखती हूँ ना। तो मैंने ये व्हाइट एंड ब्लैक कलर का वन पीस लेके आई हूँ, ये भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ। बताओ ये वन पीस कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ड्रेस ले रही हूँ और मैंने सोचा ये वाला भी एक वन पीस ले ही लेते हैं। तो मम्मी को मनाया और ये वाला वन पीस भी ले रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ इसको बिल कर दो। चलो तो मेरा ड्रेस है ना ले लिया है। अभी है ना सबसे मेन काम करना बाकी है, हल्दी कुमकुम को है ना सारी लेडीज को गिफ्ट दिया जाता है, तो वो गिफ्ट चूज करना है। अब करोगे क्या? अब मेरे को क्या मालूम लेडीज लोगों को क्या गिफ्ट देने का रहता है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, बताए गर्ल्स की लेडीज को क्या गिफ्ट देना चाहिए? मसाले के डब्बे। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। नहीं इसका कुछ देंगे, लास्ट टाइम हमने ना क्या दिया था मम्मी?
चाय पीने का कप। हाँ, चाय तो मैंने डिसाइड किया था। हाँ, इस बार भी पापा ही डिसाइड करेंगे, बताओ। अरे ग्लास में फूट जाते ना ग्लास, और ग्लास को करेंगे भी क्या ऐसे, देखो देखो हम ऐसे ये जूस वाला भी दे सकते हैं, ये फ्रूट जूस निकालने वाला, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है, आपको क्या लगता है? ये भी अच्छा है, ये ऐसे सेट भी दे सकते हैं किचन के लिए, सही है, ये यूजफुल सेट है, मेरे को ना वो अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बाउल वाला अच्छा लग रहा है, बाउल वाला सेट से ही लग रहा है पापा को, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है मतलब ये यूज में भी आएगा किचन में सबके। ये देखो ये वाले बाउल पसंद आ रहे हैं हमको, फाइनल किया जाए मम्मी, देखते पापा को ये पसंद आ रहे हैं, पापा को है ना ये प्लेट और बाउल वाला सेट अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग है ना कौन सा गिफ्ट लेने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, हम ये वाला गिफ्ट लेंगे या फिर ये वाला गिफ्ट लेंगे या फिर वो जूसर, या फिर ये जूसर लेंगे, देखते ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। देखो हम ना चाय की कैटली देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ढक्कन लगा चाय डालेंगे तो ढक्कन भी गिर जाएगा ना नीचे, ढक्कन कैसे गिरेगा पापा, अभी सिंपल है खोल के डालना चाय। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? तो खोल के मजा क्या आएगा? अरे मेरी बात सुनो दोनों, क्या है यार ऐसे ऐसे पकड़ना होता है फिर ऐसे डालनी होती है चाय। वो वाला आइटम 50 पीस फिक्स हो गया। हाँ, ठीक है। तो हमने ना लेडीज के लिए क्या गिफ्ट लिया, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है जो मैं आपको बताऊंगी बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। अभी कहाँ पे चल रहे हैं? अपन खाएंगे इमरती। इमरती यार पापा मेरा डाइट तोड़ देंगे आज। आ गए पापा गर्मा गर्म इमरती लेकर, अपने दोनों का डाइट जो है वो तोड़ रहे हैं पापा। ये देखो हाँ मासी, ये इतनी सी जगह पे बैठे यहाँ तीन लोग बैठ सकते हैं। तो कुछ ऐसी रही हमारी हल्दी कुमकुम की शॉपिंग, और फिर मैं जब घर पहुँची तो मैंने देखा हमारे घर तीन तीन नई नवेली दुल्हन आई हुई है। अब इन दुल्हनों का चेहरा हम हल्दी कुमकुम के फंक्शन में ही दिखाएंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हल्दी कुमकुम फंक्शन की वीडियो का वेट करो।